कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने महानगर के चार थाना क्षेत्र कोतवाली, राजघाट, तिवारीपुर और गोरखनाथ में 28 जुलाई सुबह 5 बजे से 4 अगस्त सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन का घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन के आदेशानुसार चार थाना क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण उस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने अपील किया है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, सभी के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, पिछले 7 दिन की रिपोर्ट के आधार पर लगभग अभी हमारे शहर क्षेत्र में 225 से अधिक हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से लगभग 60% से अधिक हॉटस्पॉट हमारे चार थाना अंतर्गत थे। उन्हीं थाना अंतर्गत में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर हमने रिपोर्ट दी थी डीएमसर को कि चार थाने में हमारे गोरखनाथ और कोतवाली सर्किल के तीन थाने, तिवारीपुर, राजघाट और कोतवाली, इन चारों थानों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए और हम एक्सटेंसिव यहाँ पे सैंपलिंग करेंगे ताकि कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को हम वहीं के वहीं कंटेन कर लें। तो उसी के मद्देनजर आज डीएम सर ने हमारी रिपोर्ट को मानकर चार थानों में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और इन चार थानों में केवल सरकारी प्रतिष्ठान, जो वो भी गवर्नमेंट आईडी के साथ खुलेंगे, बैंक भी खुलेंगे, लेकिन बैंक में कोई कस्टमर का प्रवेश नहीं होगा, बैंक केवल इंटरनल काम कर सकते हैं अपने, बाकी इनको छोड़ के सभी प्रकार के निजी, व्यावसायिक, वाणिज्यिक सब प्रकार के लोग प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल, दूध और सब्जी, इनको अलाउड है, बाकी अन्य सेवाएं सब होम डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हमने फैसला लिया है कि लॉकडाउन का सख्ताई से पालन किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई निकलता है, मूवमेंट रहता है, तो तुरंत कार्रवाई के लिए हमें एसओ को भी जिम्मेदार बनाया गया है। एसओ की जिम्मेदारी व्यक्तिगत होगी कि किसी भी तरीके का लॉकडाउन में उल्लंघन ना हो, 100% लोग घरों में रहें और फिर हम मेडिकल टीम के द्वारा डोर टू डोर सर्वे कराएंगे, क्योंकि हमारे हम देखते हैं कि हॉटस्पॉट जो बढ़ रहे हैं हमारे हमायूपुर, मिर्जापुर, अंजुमन इस्लामिया, बसंतपुर, हनुमानगढ़ी, रसूलपुर और रायगंज, मिर्जापुर, इन्हीं एरिया में काफी हमारा बहुत कंसंट्रेटेड लोग हैं। वो काफी हर दिन हमारे लगभग 40-50 पॉजिटिव संख्या यहीं से निकल रही है। तो ऐसे में हम दो 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 सर्वे करेंगे, सैंपलिंग करेंगे और अपने सैंपल की संख्या बढ़ाएंगे, जल्दी से जल्दी इसको कोरोना के संक्रमण को टाल सकें। तो इसीलिए आज हमने चार थानों में डीएम सर के द्वारा निर्देश लिया गया है, आदेश दिया गया है और इसको हम 4 अगस्त तक ये लॉकडाउन है, तब तक इसको हमें पूर्णतया से करना है।